त्रिपुणिथुरा मंदिर का ऋषिकोलवम महोत्सव। श्री पूर्णात्रयी सा मंदिर का ऋषिकोलवम त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण है। इस 8 दिवसीय उत्सव को इस तरह से मनाया जाता है कि यह वृश्चिक महीने में थिरुवोणम नक्षत्र के दिन समाप्त हो। इस त्यौहार को अंगुराड़ी त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। सभी पारंपरिक केरली संगीत सुनने के लिए यह उत्सव एक दुर्लभ अवसर है। आठ दिवसीय उत्सव के दौरान मेलम, पंचवाद्यम, थायम्बका, माधलापट्टू, कोम्बुपट्टू, कुजलपट्टू आदि का प्रदर्शन किया जाता है। त्यौहार का मुख्य आकर्षण हाथी के ऊपर मंदिर की उत्सव मूर्ति का जुलूस होता है। पंचारी मेलम पूरी पूर्णता के साथ त्यौहार के दौरान मंदिर में किया जाता है और यह लगभग 3.5 घंटे तक चलता है। पंचारी मेलम के बाद अदंथा मेलम होता है और चेम्बड़ा मेलम के तीसरे और चौथे डिवीजन के साथ समाप्त होता है, जो यहाँ नादपुरा मेलम के नाम से प्रसिद्ध है। त्यौहार के चौथे दिन को थ्रिकेट्टा पुरपाड्डू के नाम से जाना जाता है। विलव मंगलम स्वामियार ने त्यौहार की अवधि के दौरान मंदिर का दौरा किया और जुलूस में दिव्य उपस्थिति पाए, न कि मंदिर के गर्भगृह में। इसलिए यह माना जाता है कि देवता गर्भगृह को छोड़ देते हैं और जुलूस के दौरान भक्तों से मिलते हैं। जुलूस रात में भारी भीड़ के सामने होता है, जो पैसों सहित विभिन्न प्रसाद चढ़ाया जाता है। 8 दिवसीय उत्सव के दौरान प्रस्तुत कथकली और कर्नाटक संगीत प्रसिद्ध कलाकारों की भागीदारी के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के कुछ विश्व प्रसिद्ध संगीतकारों ने मंदिर में अपना सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रदर्शन किया है। त्यौहार के दौरान कुछ मंदिर कलाओं जैसे कुरिथियाट्टम, ओट्टम थुलाल, सिंथंग कन थुलाल, पटाकोम और संध्याकाली का प्रदर्शन किया जाता है। मंदिर में पूजे जाने वाले मुख्य देवता पूर्णात्रयीसा यानी भगवान श्री नारायण है। यह भी माना जाता है कि मूर्ति वैकुंठनाथन और संतान गोपाला की है। मान्यता है कि अर्जुन ने वैकुंठ से मंदिर में मूर्ति की पूजा कराई थी। उन्होंने इसी जगह में स्थापित किया था। ऐसा माना जाता है कि यह सबसे पहले मंदिर का निर्माण कलयुग की शुरुआत में किया था।